हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे गार्लिक चिकन। तो सबसे पहले चेस्ट पीस ले लिया हूँ, अभी इसको स्लाइस में कटिंग करेंगे। अभी इसको कटिंग कर लेंगे, ये देखिए स्लाइस में, ये देख सकते हो दोस्तों। अभी इसको कटिंग कर लेंगे स्लाइसेस में, पतला पतला, ये देखिए, ये देखिए सेम ऐसा कटिंग कर लेंगे। अभी थोड़ा लहसुन ले लेंगे, थोड़ा अदरक ले लेंगे, थोड़ा सा हरी मिर्ची ले लेंगे। अभी इसको हम चॉप कर लेंगे चापड़ की मदद से, ये देखिए आराम से इसको चॉप कर लेंगे। ये देख सके दोस्तों, अच्छी तरीके से कीमा कर लिया हूँ। अभी हम इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले एक बोल में चिकन को डाल लेंगे, उसके बाद हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन कीमा उसको भी डाल लेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा इसमें डालेंगे व्हाइट पेपर पाउडर, देखिए थोड़ा इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, थोड़ा इसमें डालेंगे विनीगर खट्टा का, थोड़ा इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा इसमें डालेंगे हम रेड चिली सॉस। अब इसमें डालेंगे अंडा, आधा अंडा, पूरा नहीं आधा, थोड़ा इसमें डालेंगे फूड कलर येलो में। अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे, देखिए हाथ से अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे, 10 मिनट के लिए रेस्ट कर लेंगे, फिर बाद में इसको फ्राई करेंगे। दोस्तों अभी हम इसमें डालेंगे मैदा और कॉर्नफ्लोर, दोनों का भाग सेम रहना, देखिए अब इसको हम मिला लेंगे, मिलाने के बाद तेल में फ्राई करेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अभी एक एक करके इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए आराम से इसको एक एक करके डालेंगे, अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। ये देख सकते हो दोस्तों अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है, ये देखिए पूरा इसको क्रिस्पी करना, फिर इसको सॉस में। सबसे पहले पैन ले लो, अब पैन में हम ऑयल डालेंगे, ये देखिए थोड़ा गर्म कर लेंगे। पहले इसमें हम डालेंगे गार्लिक, तो गार्लिक का भाग थोड़ा ज़्यादा रहेगा, देखिए थोड़ा इसमें डालेंगे जिंजर कीमा, इसमें डालेंगे चॉप हरी मिर्ची, थोड़ा इसको फ्राई कर लेंगे, थोड़ा इसमें करी पत्ता कीमा डालेंगे, थोड़ा इसको फ्राई कर लेंगे, थोड़ा इसमें सूखा मिर्ची डालेंगे। अब थोड़ा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, थोड़ा इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा टमाटो सॉस, थोड़ा रेड चिली सॉस, इसमें डालेंगे फूड कलर। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे, सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा व्हाइट पेपर, थोड़ा इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। अब हमारा सॉस रेडी हो चुका है, अभी हम फ्राई करेंगे चिकन, अब उसको इसमें ऐड करेंगे। चिकन अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों, अभी इसको हम फ्राई कर लेंगे, तो देखिए और भी हमारा रेडी हो चुका है। बस थोड़ा फास्ट रहना, थोड़ा अच्छी तरह कर लेंगे, थोड़ा इसमें डालेंगे हरा धनिया। गार्लिक चिकन हमारा रेडी हो चुका है, तो देख सकते हो प्लेटर में भी लग चुका है, बहुत बेहतरीन हुआ है। जैसे भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।